Hello. Thank you, ma'am. Bhaijan, let's go in. You got all the solo shots? Ma'am, ek last group picture aur sindhu. Ma'am, aaiye na. Ma'am, aaiye. Tumhare piche hai na. Ma'am, pause na. Anusha ji, Anusha ji, thoda piche hai na. Ajay bhai, Ajay bhai, ek minute, Ajay. 1 second. इधर आइए ना आप, इधर आइए। हो गया भाई, अंदर आ जाने देना। आप आओ ना, आप किधर हो? मंगेश फ्रेम नहीं ले रहे थे। एक्सक्यूज मी भाई, जगह बना, जगह बना, जगह बना, जगह बना। मेरे बड़े भाई हैं। अरे भैया, तेरे पास वीडियो है ना, तो पीछे चलो। लोगो आना चाहिए आपको, फोटो तो खींचो। लोगो आ गया आपके पास, यूज करो यार, प्रेम नहीं आएगा पूरा। चलो, थैंक यू। ले लिया, चलो थैंक यू। जैसे कैमरा तो नहीं था, ले लिया। ए चलो भाई, हम कहां है यार? अरविंद, ए अरविंद, जाने के बाद आएगा भाई। पहले लंच में मीटिंग उधर हो रहा है। इधर में बोले बोले, अरे चलो रे, मांगे पार्टी उधर। अरे तुम बैठो ना, पीछे ना, पीछे ना, तेरा फ्रेम है। ओ नहीं, बैठो ना पीछे है तो। अरे दूसरी बार आओ, मुझे झगड़ा मत करो, विजुअल पीछे जाओ, कैमरा आगे आओ ना, सिंपल सी बात है यार। 3 मिनट है उसके पास, फिर मेरी फोटो मिलेगी। बैठ जाओ, चलो रोलिंग। दो ही लोग आ रहे हैं, भेजो पार्टनर सर, आगे आओ ना। मैं आ रहा तो थोड़ा से पीछे हो जाए, तो सब लोग आ जाए, पीछे आएंगे तो सब आए। हां तो फुल फ्रेम अदरवाइज, तो थोड़ा रहे आ गया। अजय भाई, अजय भाई नहीं दिख रहे, अजय भाई नहीं दिख रहे, अजय भाई नहीं दिख रहे। थैंक यू वेरी मच। अरे यार, हाथ सर 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 सर, कम पीछे आइए ना, कम इन द फ्रंट। नो नहीं नहीं, वो अमूल भाई, अजय भाई, ये नाम तो मैं पहले देखा था। वो आता है ना, सोनी भाई उसको दे ना, एक लेफ्ट में लेने बोल ना, छोटे ने बीच में केस लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं इधर, देख भी छोटे ये इधर आ जा, सारे से दिखा। अरे अरे हां, लेकिन मोबाइल देख क्या बाइक भी देरी हो गया ना, अजर भाई का करना है, अपन नोरा निकल जाए फिर अजर भाई का करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट पे ना,
थोड़ा जी खिलाइए। अरे महल में तो धोनी और ओएस के लिए मेरे बहुत खास दोस्त हैं, उनके लिए आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही कि यहाँ पे ये दूसरा मेरे ख्याल में स्पा है, इससे पहले पुणे में एक है, तो ये तीसरा होने वाला है मेरे ख्याल में। आज आज फोर्थ है देखिए फोर है, मैंने बाउंड्री मार दिया तीसरा चौथा स्पा है। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे दोस्तों ने बहुत इतना अच्छा काम किया और मैं अभी देखा नहीं, अंदर गया नहीं, बट अंदर जाने के बाद मुझे तो 100% मैं श्योर हूँ कि ज़बरदस्त स्पा होगा इंशाल्लाह। अभी तो रोज़े में हो तो इंशाल्लाह अभी आज सर्विस नहीं ले सकूँगा कुछ भी, तो शायद मैं भी अगले टाइम आऊँगा तो ज़रूर स्पा यूज़ करूँगा। सर IPL इज़ रनिंग, क्या चांसेस लग रहे हैं, कौन सा टीम ऐसा है जो प्रबल दावेदार लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि प्रेजेंट फॉर्म में शायद मुंबई इंडियंस जीत सकते हैं। ये मुंबई में है ना, तो मुंबई का ही नाम लेना पड़ेगा। इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस बिकॉज वी हैव अ वेरी बैलेंस साइड, वी हैव गॉट गुड बॉलर्स, वी हैव गॉट गुड बैट्समैन एंड देन आवर फील्डिंग इज वेरी गुड एंड इंप्रूव्ड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी हैव अ गुड चांस। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ इंडिया डजंट विन द वर्ल्ड कप। आई एम होपिंग दैट वी विल इंशाल्लाह ब्रिंग बैक द कप। क्या हुआ करंट फॉर्म जो है विराट कोहली कैप्टनसी में भी काफी अच्छे गिरा है? नहीं तो देखिए, हर बार एक प्लेयर हर बार तो ऊपर रह नहीं सकता, कभी कभी अप एंड डाउन होता है लाइफ में, बट उनका जो रिकॉर्ड है और उनके जो स्टैटिस्टिक्स है मेरे ख्याल में, अब उसको देखते हुए आप एक आध परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ तो उसमें उतना ज़्यादा परेशान या हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि मुझे उन्होंने अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के लिए सेव किया हूँ। And just one more thing, otherwise this World Cup is a round robin format where each team will play against each team. How tough is this format compared to a Super 6 or a knockout stage? Well, I think when you are playing at international level, all the formats are very tough. So you, when you know the format, you have to go accordingly and play according to the format and then make sure that, I mean, things become easy for you. I mean, because if you start worrying about the format, then the format is not your headache. The performance is your headache. I mean, if you do well, I mean, any format is good. Thank you. मैं यार मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं दोनों लोग, और मेरे ख्याल में इंकरेजमेंट करना चाहिए क्योंकि मैं आने से मेरे ख्याल में इंकरेजमेंट उनको थोड़ा, मैं तो उतना यंग नहीं हूँ बट लेकिन यंग लोगों के लिए ज़्यादा स्पा है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर जस्ट पुणे या बॉम्बे ने ऑल ओवर इंडिया में स्पा खोले। I feel like the ambience is really cozy inside. It's very boutique. It's nice. It's decorated in a very special way, especially with the Versace style and the logos and the Versace merchandise which is inside, which is really cool, like the towels, the robes, the soaps, the shampoos, all the things, all the products that you can use. I feel like the services they're providing is very special and it's new in Bombay, which is like really, really cool. I got the chance to see all the spa rooms, which was really exciting. It gives you a very relaxing atmosphere for someone who wants to just come and just, you know, just rest and have a really nice massage, and of course, in a very luxurious way. Thank you. Everyone requires makeup. Yes, of course, I require makeup. I do take care of my skin. I drink a lot of water. I use organic products, and of course, resting up, having good sleep plays a big role in good skin and looking fresh. Oh yeah, so that's so of course in Mizmar, yeah. So I think it's really important that we mention that Mizmar uses natural products that are done really well and are good for your skin, and you get like really good results.
Miss Marcel. Spine, today's life is very important because the lifestyle of people is too hectic and stressful. Yeah. So you need to take out little bit of time for yourself. It's like me time for yourself. So we want to give that me time a special twist to that by giving more of luxury and nice soothing place. What so, would you try here? I would definitely try the Versace massage. Yeah, I would try that. This I think is, that's unique. Yeah, this is a special massage with you. Yeah. Versace massage. And I will try that. Yeah. Sonny, what about you? What would you recommend to Norak? Try everything. Yeah, try everything. Try everything. I love her. Like, she can come every day, no problem. You guys were also recommending the facials? Yes. We have Phytomer and we have Remilor Facial, which is a French brand. The brand ambassador is here, right here, Miss Rekha Chaudhry. And all the products are organic products. Yeah. No chemicals involved. Sikhali, you are 53. So tell us about how young you are now. So congratulations to Ms. Mar Spa. It is a beautiful and being as a wellness ambassador for India, 95 countries we are working on the wellness initiative. And especially I would like to say about and congratulate to this spa because this is the first spa in India who has collaborated with the Versace. So it's the biggest achievement. And apart from that, this brand what they are using, Remilor and Phytomer, it's an award-winning brand. It's a completely natural brand. And I'm sure you must be loving, like, you know, all whenever you are putting any product on the face or body, it should be authenticity. It product should have the authenticity and it should have the natural ingredients. And this is what I would like to say about this spa. It's congratulations to all of you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, okay, so obviously to wrap up, I think what is more the most important part of this spa opening is the fact that they provide a lot of organic, natural products, which I think everyone needs today. And for people who have a very hectic lifestyle, like someone like me, having a spa go-to place like Ms. Mar, it's very important for people like us. And I just think like anybody, you know, housewives, people who are working, people who, you know, do night shifts, people who take care, work out, gym, anyone who's looking out to, you know, looking out for a more healthy lifestyle, I think it's great to take the time out to do spas regularly, to do facials regularly, to get massages and just be more relaxed. What do you do to detox? You look beautiful even if you're tired. I do a lot of things. I drink a lot of water. I dance. I, you know, enjoy my work. So I think when you enjoy something that you do, then it just shows on your face. Yes. I would recommend, wow, there's a lot of things to recommend. I think in terms of skin, drink a lot of water, moisturize. Moisturizing is very important to keep yourself hydrated. And use organic products, yeah. Hello, mimmalne film celebrities real stories ento telusukovalanunda latest ga release ayye movie reviews nenu chepte vinalanunda inkenduku alasyam yoyo tv ni subscribe cheskondi alage marchipokunda yoyo tv app ni kuda download cheskondi.